हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो हेयर स्टाइल खुले बालों के लिए। तो किस तरीके से बनाना है पूरा वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मेरे चैनल पर आपको ब्यूटी से रिलेटेड, ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड एंड हेयर स्टाइल से रिलेटेड तो वीडियोज मिलती ही मिलती हैं। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है मेकअप से रिलेटेड, जैसे कोई बारीकी हो, कोई मिस्टेक हो रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर आऊँगी। और हेयर स्टाइल में जैसा भी आपको हेयर स्टाइल चाहिए उसका भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंस्टा आईडी प्रीति_तिवारी24 है, वहाँ पे मेरी रील्स वीडियोज अपलोड होती रहती है, तो वहाँ पे भी जरूर जाइए और वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा प्रीति_तिवारी24। एंड सेकेंड चैनल है प्रीति_तिवारी2, जिसपे मेरी ब्लॉग वीडियोज अपलोड होते रहती हैं। एंड मैं बहुत जल्दी दिल्ली शिफ्ट होने वाली हूँ, तो मेरी डेली ब्लॉग वीडियोज आप लोग को देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जाके सेकंड चैनल को भी देख लीजिए। वेबसाइट लिंक, सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, तो आप वहाँ से जाके इजीली ले सकते हो। एंड जैसे हम लोग हेयर वॉश करते हैं, तो मेरे बालों का तो ये हाल होता है, आपका पता नहीं। अगर आपके भी बालों का ऐसा होता है तो आप सीरम यूज कर सकते हो। सीरम है स्ट्रिक्स का और काफ़ी अच्छा है, ब्लू वाला एंड गोल्डन वाला दोनों तरीके का आता है। कई लोग बहुत ज्यादा सीरम अप्लाई कर लेते हैं जिससे बाल ऑयली हो जाता है, तो बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है गाइस, ओनली वन पंप इस तरीके से, सॉरी इतना सा लेना है, हाथों पे अच्छे से रब करना है, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। उसके बाद बस नीचे नीचे आपको इसको जड़ों में नहीं लगाना है, रूट बस लेंथ में लगाना है, क्योंकि अगर आप जड़ों पे लगाओगे तो हो सकता है कि आपके बालों को नुकसान पहुंचा दे और हेयर फॉल होने लग जाए। तो बस बालों को मैनेज करने के लिए इसको यूज करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि सीरम लगाने से आपके बाल लंबे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। सीरम बस आपके बालों को हेल्दी एंड मैनेज दिखाने के लिए होता है। ओके, मैनेजेबल। तो ये हमने लगा लिया, तो हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइल। यहाँ से थोड़ा सा हेयर उठाएंगे एंड जो हम लोग फ्रेंच चोटी बनाते हैं वैसे यहाँ पे फ्रेंच चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हेयर लेके इसके साथ मिक्स करते जाएंगे। ओके, ज्यादा नहीं गूंथना है, बस थोड़ा सा इस तरीके से गूंथ लेने वालों को, क्राउन एरिया तक गूंथ के। आगे की तरफ इसको पुल आउट करेंगे इस तरीके से, ताकि थोड़ा पफ का लुक आ जाए। एंड टिक टैक क्लिप या बॉबी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे बैक में। ओके, अब हमको साइड से इस तरीके से हेयर को लेना है। यहाँ पे अगर आपको चोटी बनानी है तो चोटी बना दीजिए, नहीं तो सिंपली ट्विस्टिंग कर सकते हो। सेल्फ बना रही हो तो ट्विस्टिंग इजी होगी, तो ट्विस्टिंग कर लीजिएगा। आप चाहो तो लेयर्स निकाल सकते हो, बट मुझे लेयर नहीं निकालना है, तो मैं सारे हेयर को एक साथ ले रही हूँ, टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, देन इस तरीके से ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्टिंग करते टाइम हमेशा हाथ को इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है, ताकि जो हमारी स्कैल्प होती है, जैसे ये जो लाइन बनी है मांग, वो दिखाई ना दे और आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा दिखे। अब यहाँ से सिंपली ट्विस्ट करके जो हमने क्लिप लगाई है बस उसके ऊपर ही क्लिप कर देना, हल्का सा आगे की तरफ पुल करेंगे, जिससे कि जो हमारी लेयर बनी है हेयर स्टाइल में वो पूरी तरीके से तरीके से दिखाई दे। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाना है। तो यहाँ से इस तरीके से लेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आगे वाले पार्ट्स को नीचे की तरफ से लेके जाएंगे और उसको ऊपर की तरफ से, सॉरी आगे वाले पार्ट्स को ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे और बैक वाले को नीचे की तरफ से, इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, फिर बैक वाले को लेयर को छोड़ देंगे
और फिर जो सेकंड लेयर लेंगे उसके साथ बैक वाले को मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे मैंने ट्विस्टिंग बनाई है वैसे एकदम इजीली आप बना लोगे। ऊपर की तरफ हाथ रखना है जिससे कि हमारी जो स्कैल्प है वो दिखाई ना दे। ओके, ईयर तक अपने हेयर को इस तरीके से ट्विस्टिंग करेंगे एंड बाकी हेयर को सिंपल ऊपर की तरफ से ही ट्विस्टिंग कर देंगे और क्लिप के ऊपर लेके जाएंगे और पिन से सिक्योर कर देंगे। और ये है खुले बालों के लिए ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल। लंबे छोटे जैसे भी बाल हैं आपके, आप उसमें इसको ट्राई कर सकते हो। साड़ी के लिए, सूट के लिए बेस्ट रहेगा, इंडियन वेयर्स के लिए। तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसके साथ गजरा सेट कर सकते हो। बट मिल गया गजरा, तो गजरे को इस तरीके से सेट करेंगे। सिंपली राउंड राउंड सा इसको लपेटेंगे, देन यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे और यू पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। ये आपके वेडिंग लुक को कंप्लीट करेगा और छोटे बालों में भी काफी अच्छा और अट्रैक्टिव लुक दिखाएगा आपको। तो यू पिन से इस तरीके से रख के और सिंपली गजरे को सेट कर देंगे जिससे कि आपका वेडिंग लुक साड़ी के साथ बहुत प्यारा बन के आने वाला है यहाँ पे। गजरा सेट करते टाइम यू पिन थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, नहीं तो जो है आपका गजरा निकल सकता है। तो इस तरीके से सेट कर लिया है। गजरे में जैसे कि हमारा फ्लावर नहीं दिख रहा था, यहाँ पे आप यू पिन ये वाला यूज कर सकते हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव और दिखेगा। और ये हो गया अब दिस इज फाइनल लुक ओपन हेयर के लिए एंड वेडिंग के लिए। इसके साथ आप बड़ी बड़ी इयररिंग्स वगैरह यूज कर ट्राई कर सकते हो जिससे कि आपका लुक जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अभी मैं नहीं डाल रही हूँ बट आप वेडिंग के लिए रेडी हो रहे हो तो झुमके वगैरह जरूर डालिएगा। इस टाइप के डाल के दिखा देती हूँ और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा आपका। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल खुले बालों के लिए एंड वेडिंग सीजन के लिए। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में अगर आपके बाल छोटे हैं एंड आप कुछ इजी सा, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना, बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल पिन वगैरह यूज नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली अपने सेंटर से इस तरीके से बालों को लेना है और जैसे हम लोग सागर चोटी बनाते हैं वैसे आपको बनाते जाना है यहाँ पे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम सागर चोटी और फ्रेंच चोटी में अंतर क्या है, तो सागर चोटी डियर यहाँ से बस हेयर को लेना है एंड मिक्स कर देना है। फ्रेंच चोटी में क्या होता है, हम लोग पूरा यहाँ तक हेयर को लेके जाते हैं एंड चोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सागर चोटी में यहाँ से हेयर को लेना है और ऐसे मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आपको अपने क्राउन एरिया तक के सॉरी क्राउन एरिया तक के हेयर को चोटी में मिक्स करते जाना है। तो छोटे छोटे लेयर्स लेके इस तरीके से हमने यहाँ पे लेयर लिया है और इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ये है बहुत इजी है एंड बहुत कंफर्टेबल रहता है और बहुत कम हेयर स्टाइल पिन की मदद से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ तक ईयर तक मैंने सारे हेयर को लिया है एंड बैक में जो हमने चोटी बनाई है उसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे या फिर थोड़ा सा और हेयर को ऐड कर लेंगे। चोटी को थोड़ा सा लंबा करेंगे
अगर आपके पास पिन है तो आप पिन लगा दो, या रबड़ बैंड ही लगाइएगा, पिन नहीं लगाना है यहाँ पे। रबड़ बैंड के लिए पतला वाला रबड़ बैंड लोगे आप यहाँ पे, मोटा भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, बट पतला लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट मेरे पास भी आई थिंक पतला नहीं है, देखते हैं। तो मैं यहाँ पे मोटा वाला ही यूज कर ले रही हूँ, बट आप पतला लगाइएगा। ये हो गया सेकंड हेयर स्टाइल, खुले बालों के लिए एंड छोटे बालों के लिए बेस्ट रहेगा। मोटे वाले रबड़ बैंड की मदद से मदद से मैंने बनाया है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, बट आप पतला लगाओगे तो काफी प्यारा लगेगा, फ्रंट से ऐसा लुक आएगा। और आप इसको थोड़ा सा और इस तरीके का दिखाने के लिए, जैसे कि आपका हेयर स्टाइल और भी प्यारा दिखे, तो आप ऐसे बैक की तरफ से आगे की तरफ पुल आउट करोगे एंड एक बॉबी क्लिप लोगे, और बॉबी क्लिप को कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगा देना है। यहाँ से आप इस तरीके से इन करोगे, और बॉबी क्लिप आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए, बस इसको लगा देना है, अंदर अंदर ही जाएगा। और जो आपका हेयर स्टाइल है वो इस तरीके से पफ का लुक आ जाएगा, और भी प्यारा और अट्रैक्टिव लगेगा। सिंपल सागर चोटी एंड फ्रेंच चोटी से ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और थोड़ा सा इसमें पफी का पफ लुक आ गया, तो और भी ज़्यादा हेयर स्टाइल जो हमारी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। साइड से लेयर निकाल लीजिएगा अगर आपने कट करा रखे हैं तो। तो ये है हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। तो आज के लिए थे ये दो ब्यूटीफुल क्यूट सिंपल इजी हेयर स्टाइल, सेल्फ हेयर स्टाइल जो कोई भी बना सकता है, बस एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, हेयर स्टाइल से रिलेटेड एंड ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।